हरियाणा में मंत्रियों का इंतजार खत्म हो गया है। कैबिनेट और राज्य मंत्रियों के बीच विमानों का बंटवारा हो गया है। सीएम नायब सिंह सैनी के साथ साथ 13 मंत्रियों ने अपने पद की शपथ ली है। अब सभी मंत्रियों को अपना अपना विभाग मिल चुका है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास सबसे अधिक 13 विभाग हैं। विभागों के बंटवारे से पहले अच्छे विभाग के लिए मंत्रियों की लॉबिंग शुरू हुई थी। बीजेपी के कई बड़े दिग्गजों के चक्कर वो लगाते नजर आए, लेकिन कल यानी रविवार देर रात विभागों का बंटवारा हुआ। सीएम सैनी 12 विभागों का कार्यभार संभाल रहे हैं। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री तो है ही, साथ ही गृह, वित्त, योजना, आबकारी एवं कराधान, टाउन एवं कंट्री प्लानिंग एवं शहरी संपदा, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं सांस्कृतिक विभाग, न्याय प्रशासन, सामान्य प्रशासन, सबके लिए आवास, सीआईडी, इसके साथ ही कार्मिक एवं प्रशिक्षण, कानून एवं विधायी, वो सभी विभाग जो किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं। वहीं अनिल विज को ऊर्जा और परिवहन विभाग दिए गए। मनोहर लाल सरकार में विज गृह मंत्री रह चुके हैं और लगातार जीतते हुए भी हरियाणा में वो आ रहे हैं। अनिल विज कैबिनेट मंत्री, बिजली, परिवहन, श्रम विभाग उनके नाम है। वहीं रणवीर गंगवा कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिक लोक निर्माण विभाग उनके खेमे में आया है। कृष्णलाल पवार कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। विकास एवं पंचायत, खनन एवं भूविज्ञान उनके खेमे में। इसके साथ ही राव नरबीर सिंह कैबिनेट मंत्री बनाए गए। उद्योग एवं वाणिज्य, पर्यावरण, वन एवं वन्य प्रणाली, विदेश सहयोग विभाग, सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण मंत्रालय उनके पास आया। श्याम सिंह राणा के हिस्से में कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन विभाग, मत्स्य पालन भी उनके हिस्से आया। विपुल गोयल के नाम राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, शहरी निकाय विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग आया है। कृष्ण कुमार बेदी कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण, एससी एवं डीसी वेलफेयर, इसके साथ ही अंत्योदय, कल्याण, आतिथ्य सरकार, वास्तुकार, श्रुति चौधरी कैबिनेट मंत्री बनाई गई। महिला एवं बाल विकास, सिंचाई एवं जल संसाधन उनके हिस्से आया। आरती सिंह राव कैबिनेट मंत्री बनाई गई है। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं अनुसंधान और आयुष उनके खेमे में आया। महिपाल ढांडा कैबिनेट मंत्री बनाए गए। स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, अभिलेखागार, संसदीय मामले डॉक्टर अरविंद शर्मा कैबिनेट मंत्री बनाए गए। सहकारिता, जेल, चुनाव, पर्यटन उनके हिस्से आया। गौरव गौतम राज्य मंत्री बनाए गए हैं। स्वतंत्र प्रभार उनके पास होगा। जिन्हें मिला है युवा, सशक्तिकरण एवं एंटरप्रेन्योर, खेल कानून एवं विधायी कार्य, सीएम के साथ वो हमेशा अटैच रहेंगे। राजेश सिंह नागर राज्य मंत्री बनाए गए हैं। स्वतंत्र प्रभार इनके पास। खाद्य एवं आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, साथ ही प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी भी उनके पास है। अब आपको यहां बता दें कि नायब सिंह सैनी ने 17 अक्टूबर को पंचकूला में आयोजित एक भव्य समारोह के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सैनी कैबिनेट में 13 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली थी। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित एनडीए के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे थे।